सो का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस ए क्या होता है प्लस होता है है इसका वैल्यू सो दिस इक्वल्स टू थ्री बाई टू वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू सो थ्री बाई टू प्लस हाफ ऑफ कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी सो so, हमको ये पता है कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी का वैल्यू क्या होता है वन प्लस और साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू होता है सो थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू सो उसका वैल्यू तो टू हो हो तो फोर बाई टू टू इंटू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू होता है सो so, साइन टू का फॉर्मूला क्या है रूट ओवर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी इंटू रूट माइनस सी इंटू एस माइनस माइनस ए इंटू एस माइनस सी बाई ए सी इंटू रूट ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बाई ए बी होता है सो so, यह सबका प्रोडक्ट क्या होता है देखो एस माइनस बी एस माइनस बी रूट है ओके एस माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस ए तो वो स्क्वायर रूट कट हो जाएगा और हमको एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई ए स्क्वायर सॉरी ए बी सी ही आ जाएगा बिकॉज बी स्क्वायर ए स्क्वायर सब कट हो जाएगा सो तो, टू प्लस टू इंटू एस b ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस कर लो एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का वैल्यू क्या होता है, है वैल्यू क्या है फोर डेल्टा आर है बिकॉज हमको ए पता है ये तो important formula है R equals to ABC by 4 delta. स्मोल आर इक्वल्टा बाई एस डेल्टा का फॉर्मुला क्या है रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी सो टू प्लस एबीसी का वैल्यू क्या होता है यहां से फोर आर डेल्टा फोर इंटू डेल्टा इंटू आर तो ये दोनों स्क्वायर और डेल्टा कट हो जाएगा और टू प्लस टू इंटू डेल्टा बाई एस का वैल्यू क्या है आर बाई फोर आर है